सो हे गाइस, हाउ आर यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे, देखो जब भी हाई पेड सैलरी जॉब की बात आती है तो IIT का नाम सबसे पहले इंजीनियरिंग में आता है। इंजीनियरिंग में एक टाइम ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा हाई पेड सैलरी जॉब IIT वालों को मिलने लगी, लेकिन अभी रिसेंट आप प्लेसमेंट देखोगे तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। ऐसा क्या हो गया कि इंजीनियरिंग में IIT में प्लेसमेंट इतना कम हुआ? अगर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 2/3 से ज़्यादा इंजीनियर्स जो हैं अनएम्प्लॉयमेंट है। अब आप सब लोगों को जान के बड़ी हैरत होगी कि ऐसा क्यों है। उसका एक ही रीज़न है, जो करिकुलम है। करिकुलम जो है वो 90s के ज़माने के हैं, टीचर जो फैकल्टी यहाँ पे हैं वो 80s के ज़माने में हैं। तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि जो आउटकम आएगा वो रिसेंट इंडस्ट्री को जो नीड है वो आएगा? कभी नहीं ऐसा हो सकता है। तो हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में जिसका नाम है पोलिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ का करिकुलम एंड ऑल द थिंग्स सारी अपडेटेड है, जो कि एफिलिएटेड है मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी से, और जहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग AIML 4 साल का बीटेक कर सकते हैं। अगर हम बात कर लें कि इतने बड़े बड़े कॉलेज हैं, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, उनको छोड़कर के ये नए कॉलेज में क्यों एडमिशन लें, तो इसके दो ही रीज़न हैं। पहला इंडस्ट्री लेड और दूसरा है वर्क इंटीग्रेटेड। अब मैं आपको समझाता हूँ इंडस्ट्री लेड बेसिकली है क्या। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट और हर एक चैप्टर जो डिज़ाइन किया गया है, जो बनाया गया है, वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट और IIT के गाइडेंस में बनाया गया है। तो सोचो ना कि जब इतने बड़े एक्सपर्ट ने ये कोर्स डिज़ाइन किया है तो ऑब्वियसली आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित होगा। यहाँ पे इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स है, यहाँ पे टीचर ओरिएंटेड कोर्स नहीं है। दूसरा है वर्क ओरिएंटेड। आप जानते हो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेज में जो ट्रेनिंग होती है समर वेकेशन ट्रेनिंग 4th ईयर में दी जाती है। अब लेकिन यहाँ पे पोलिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको 2nd ईयर से ही ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। मतलब जब तक आप फाइनल ईयर में पहुँचोगे तब तक आपके पास कम से कम 5 to 6 इंटर्नशिप हो चुकी होगी आपकी। अब बात आती है कैंपस की। देखो गाइस, अगर आप कैंपस की बात किया जाए तो हर इंसान चाहता है उसका कैंपस मेट्रो सिटी में हो, और ऐसी जगह पे हो जहाँ पे उसके अगल बगल बहुत सारी अच्छी कंपनियाँ हो, वो इन्वायरमेंट हो। मतलब कि अगर अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छी चीज़ें हैं, तो आपका कैंपस काफ़ी ज़्यादा कूल आपको लगेगा, और आपको लगेगा कि जो आपका इन्वायरमेंट है वो काफ़ी टेकी है, तो आपको हेल्पफुल भी होगा उसके लिए। तो जो पोलिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी हो बेंगलोर के IT पार्क विप्रो IT पार्क में स्टैब्लिश है, तो वहाँ के आसपास बड़ी बड़ी IT कंपनियाँ हैं, जिससे कि जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी कूल है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको रहने की बात किया जाए तो A1 क्लास की सारी व्यवस्थाएं हैं, जिम है, स्विमिंग पूल है, अच्छा खासा रूम है। आप सोचो ना, जब आप यहाँ पे आओगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पे किस तरह से चीज़ें आपके लिए काम करती हैं। अगर हम ओल्ड करिकुलम की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये सारे करिकुलम यहाँ से हटा दिए गए हैं, और ऑब्वियसली जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम है वो यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, जिससे कि आपको इंडस्ट्री में क्या नीड है, इंडस्ट्री में कैसे आप जाओगे, इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर हम बात कर ले कोडिंग की, तो यहाँ 4 सालों में आपको 5000 घंटे की कोडिंग सिखाई जाएगी। मतलब जब तक आप पास आउट हो गए, समझ लो आपको 2 साल का कोडिंग एक्सपीरियंस होगा, ये भी आपके लिए बहुत ही बेहतर बात है। अगर हम बात कर लें इसके अलावा भी, जब आप थक जाते हो तो यहाँ पे टेनिस, फुटबॉल, वॉलीबॉल सारी व्यवस्थाएं हैं, आप यहाँ पे खेल सकते हो। 24/7 कोडिंग की व्यवस्था है, AI और ML से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो उसको सॉल्यूशन दिया जाता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो है आपको हेल्प प्रोवाइड की जाती है। हम बात करें प्रोफेशनल एक्सपोजर की, तो इसी साल इनके जो स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट जो हैं गूगल के जो समर कोड ट्रेनिंग होता है उसमें इंटर्नशिप के लिए चुने गए हैं, जिनमें स्टाइपेंड जो है 2.5 लाख मिला है। अब ये क्रैक करना, गूगल का जो समर कोड ट्रेनिंग होता है ना, वो बहुत टफ होता है। 1200 स्टूडेंट पूरी दुनिया से लिए जाते हैं, जिसमें 4th ईयर वाले स्टूडेंट मैक्सिमम होते हैं, और इनके यहाँ 1st ईयर के स्टूडेंट ही क्रैक कर दिए। उसके अलावा 8 स्टूडेंट जो हैं वो बिटकॉइन का जो ट्रेनिंग होता है उसको क्रैक किए हैं। उसके अलावा 200+ इनके जो पार्टनर
है, प्लेसमेंट पार्टनर, उन सब में चाहे ओला, उबर, पेटीएम, इन सारी जगहों पे इंटर्नशिप के लिए लोग एलिजिबल हुए हैं। उसके अलावा इनका एक ग्रुप है फाउंडर एंड सीटीओ का, जहाँ पे आपको हेल्प मिलता है, और अगर आपको सीड फंड की ज़रूरत है तो भी यहाँ पे $10,000 का सीड फंड भी आपको उस ग्रुप के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट, कोई आइडिया उनको बहुत अच्छा लगता है तो आपके लिए वो सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होंगी। अब बात आती है कि भाई यहाँ पे एडमिशन कैसे लेना है। सबसे बड़ी बात है कि एडमिशन लेने की बात, तो आपको एक लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक करके लिंक पे आपको जाना है, और वहाँ पे जो पोलिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है उसका एक टेस्ट है, वो टेस्ट 30 मिनट का है, टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद, पास करने के बाद आपका 1-on-1 इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका जो 10th और 12th का मार्क्स है उसको कोलैब करके एक फाइनल कंक्लूजन निकाल करके आपका एडमिशन यहां पे हो जाएगा। अब रही सबसे बड़ी बात फीस की बात, यहां पे जो फीस है वो 19 लाख रुपए है। ये फीस आपको बहुत ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन यहाँ पे स्कॉलरशिप भी है। पहला स्कॉलरशिप है सौरव गांगुली यंग लीडरशिप स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप में आने का और सौरव गांगुली से मिलने का भी मौका मिलेगा। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी है, नीट कम मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी है, वुमेन एंटरप्रेन्योर स्कॉलरशिप है, क्लास प्लस स्कॉलरशिप है। तो ऑब्वियसली देखो, लिंक जो डिस्क्रिप्शन दिया गया वहाँ पे क्लिक करके एक बार आप ज़रूर देखें। और गाइस, पोलिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना आपके लिए विन ही विन है, हर तरह से आपके लिए पॉजिटिव है। तो गाइस, देरी किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, एक बार जाकर के ज़रूर देखें, और वीडियो को दोस्तों के साथ व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी शेयर कर सकते हो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।